लाइफ स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या ये सच है कि रवीना टंडन ने शाहरुख खान की एक नहीं बल्कि चार फिल्मों को ठुकरा दिया था? जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान किया, जिसके बाद से हर किसी को तगड़ा शौक लग गया है। दरअसल रवीना टंडन हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। उन्होंने तमाम हिट फिल्मों से अपने करियर को संवारा है, वहीं काफी मूवीज को उन्होंने हिट भी दिया है। ट्रास इन दिनों अपनी हाल या रिलीज कार्मा कॉलिंग को लेकर छाई हुई हैं। वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो शाहरुख खान के साथ चार फिल्मों रिजेक्ट कर चुकी हैं। शाहरुख खान और रवीना टंडन की जोड़ी को आपने फिल्म जमाना दीवाना में देखा होगा। जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद रवीना ने शाहरुख की फिल्म में क्यों रिजेक्ट की चल गई, आपको बताते हैं। रवीना टंडन ने बताया कि शाहरुख खान के साथ पहली फिल्म डायरेक्टर के निधन की वजह से बंद हो गई थी। दूसरी फिल्म के बारे में रवीना ने कहा कि वो अपनी ड्रेसेस से खुश नहीं थी। उन्होंने शाहरुख संग जमाना दीवाना की थी, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गई, जिसके बाद चार में से एक फिल्म थी डर, जो रवीना और शाहरुख साथ करने वाले थे, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हालांकि शाहरुख खान को उन्होंने बेहद केयरिंग बताया। बॉल में डल फिल्म के लिए शाहरुख खान के साथ जूही चावला को कास्ट किया गया। साल 1993 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। ये पिक्चर जूही चावला के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को रवीना टंडन के रिजेक्ट करने की वजह थी फिल्म का कॉन्सेप्ट और फिल्म के कुछ सीन्स, जो कि रवीना को बिल्कुल भी सूट नहीं करे थे। इतना ही नहीं, रवीना ने बताया कि कुछ कुछ होता है मूवी को ना करने को लेकर आज भी करण जौहर उन्हें ताना मारते हैं। रवीना के मुताबिक, आज भी मुझे लगता है कि काश वो मूवीज मुझे करनी चाहिए थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।